प्रॉब्लम हो रहा है कि पापा नहीं चला पा रहे हैं, मम्मी नहीं बैठ पा रही है, और भी जो अदर एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पा रहा है। पीछे तो ठीक है, बोरा वोरा नहीं लगाएगा, सिलेंडर नहीं लगेगा, वो ठीक है। आगे में सोचेंगे कि कुछ झोला वोला टांग के ले जाएं, तो डर लगता है कि जो इंडिकेटर है ये टूट जाएगा। अगर आपको दिखाना है कि मेरे पास R15 है, लोगों को दिखाना है, दोस्त मोहल्ला में दिखाना है, लड़की को दिखाना है कि R15 से घूम रहे हैं, तो उसके लिए एक नंबर है। और भाई बाइक भी ऐसा है ना कि लड़की लोग आपको घूर के देखेगी, जब रोड पे जब मैं चलता हूँ तो लड़की लोग ऐसे देखती है जैसे सलमान खान शाहरुख खान आ रहा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ है, अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होते देरी नहीं लगेगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राज रोशन ब्लॉग्स में। तबीयत मेरा खराब हो गया था दीपावली के दिन, यार बुखार लग गया था काफ़ी ज़्यादा तेज से मुझे, तो दीपावली का मैंने ब्लॉग किया ही नहीं, तो जो आप लोग ब्लॉग देखे नहीं दीपावली का, यही सब रीज़न की वजह से गाइस मैं ब्लॉग मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, कंटिन्यू अभी मैं ब्लॉग नहीं ला पा रहा अपने चैनल पे। बट कोई नहीं गाइस, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ R15 V4 का रिव्यू। तो ये बाइक गाइस, आज मैं इसी बाइक का फुल रिव्यू करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। जब 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, अभी 1300 किलोमीटर चल चुके हैं, मतलब पहला सर्विसिंग मेरा बाइक का हो चुका है और बाइक जो है मेरा 1300 किलोमीटर चल चुका है। और क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे इस बाइक को चलाकर, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे इस बाइक को लेकर, तो आपको गाइस इस वीडियो के डिटेल में मैं सब बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों ये बाइक को नहीं लेना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो गाइस इस बाइक में जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि देखिए सबसे पहले आपको झुक के चलाना पड़ेगा। तो झुक के चलाइएगा, आप नया नया बाइक लीजिए रहिएगा तो आपके हाथ में पेन होगा, यहाँ पे हाथ का इतना दूर का जो एरिया है ये आपका दर्द करेगा, दोनों साइड का पीछे का ये पूरा पीठ वाला एरिया जो है आपका वो दर्द करेगा, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा दर्द करेगा। तो झुक के चलाने में प्रॉब्लम होता है, अगर आपका छोटा हाइट है तो और प्रॉब्लम होगा, और अगर आपका हाइट अगर 5.2 इंच से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा बाइक को चलाने में, लेकिन 5.2 इंच से अगर कम है तो बाइक को चलाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पैर चूमेगा नहीं। अब मेरा जो हाइट है 5.4 इंच के लगभग है, तो हाँ, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता, मैं बैठ के आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए हाइट की बात की तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस बाइक में बैठ के कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइज आप लोग मेरा पैर देख सकते हो कैसा कितना चूम रहा है बाइक में बैठने पर। मेरा जो हाइट है वो है 5.4 इंच, तो देखिए बाइक में बैठने के तो कितना है, मैं जब झुकता हूँ तो मुझे बस इतना ही झुकना पड़ता है, और जिनका छोटा हाइट रहेगा उनको काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ेगा। देखिए मैं जब झुकूंगा पैर ऊपर कर लूँगा तो मुझे इतना ही झुकना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम पीछे जो हमारे पिलियन जो बैठता है, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो ब्रेक लेते हैं ना, तो क्या होता है कि पीछे वाला पिलियन वाला जो बंदा है वो घसक घसक कर बार बार आगे आ जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं ब्रेक लेते हैं, बार बार घसक के आगे आ जाइएगा, ब्रेकर भी ब्रेक लीजिएगा, तो दूसरा प्रॉब्लम। और तीसरा प्रॉब्लम यार, सीट इतना ज़्यादा ऊँचा है कि पूछिए मत, इस पर तो आपकी मम्मी बैठ ही नहीं सकती है पीछे, मतलब ये फैमिली बाइक एकदम से नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि इस पर आप मम्मी को बैठा ही नहीं सकते हो, इस बाइक को आपके पापा भी नहीं चला सकते हैं। अगर आप बाइक लेते हो कि फैमिली पर्पज़ से कि फैमिली लोग चलाएंगे तो सही रहेगा, तो ये उसके लिए गाइज नहीं है, ये बस यंगस्टर के लिए है, नौजवानों के लिए है सिर्फ, ये बाइक दिखाने के लिए है। और आपके घर में अगर 4-5 बाइक ऑलरेडी है और तब इस बाइक को आप ले लीजिए शौकीगिरी के लिए, शौकिया के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास R15 है। लोगों को अगर आपको दिखाना है तो कि हाँ मेरे पास R15 पे घूम रहे हैं तब ठीक है, लेकिन आप अगर फैमिली के लिए ले रहे हो कि हाँ चलो फैमिली का भी सारा काम हो जाएगा, तो वो काम होने वाला नहीं है ना। ये बाइक आपके पापा चला पाएंगे ना, पीछे मम्मी बैठ पाएगी, और ना इस पर बोरा उरा लदा पाएगा, जैसे कि घर में है कि जाओ बाबू गेहूँ पिसा के लिया, तो गेहूँ तो पिसाएगा नहीं, तो आटा कैसे लेके आइएगा चक्की मिल से, तो ये सब भी नहीं होगा ना, इस पर सिलेंडर लदाएगा, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम है। और गाड़ी पर जो है कि गाड़ी सिलेंडर भी नहीं लदा सकते, आप सिलेंडर लाने जाना है, सिलेंडर कहाँ से लाइएगा, इस पर सिलेंडर कैसे लगाएगा, इस पर बैठने के लिए एक होकर बैठने में दिक्कत होता है, सिलेंडर कैसे लगाएगा इस पर। तीन फिर एक प्रॉब्लम है कि इस पर 3 लोग बैठ ही नहीं सकते इस बाइक पे, बताइए 3 लोग बैठिएगा तो आपका प्राइवेट पार्ट का क्या हाल होगा, वो चलाने वाला बंदा समझ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब कि इतना दिक्कत होता है कि आप पूछ नहीं सकते इस बाइक को लेकर, एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं पछता रहा हूँ ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैंने ये बाइक को बस अपना शौक है सपना पूरा करने के लिए लिया था, बट इस बाइक में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और अगर आप लोग लेना चाहते हो जो इस बाइक को, तो ले सकते हो अगर आपको दिखाना है कि हाँ मेरे पास R15 है, और आपके घर में ऑलरेडी बाइक है बुलेट ये सब है, पैशन प्रो है, हीरो होंडा है, तो ये सब बाइक अगर आपके घर में ऑलरेडी है, आपका काम अगर हो जाता है तब ये बाइक आप ले सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन है तो। और अगर आप पहला बाइक ले रहे हो तो मत लेना, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहला बाइक ले रहे हो तो आप बुलेट लेना, बुलेट क्या होगा गाइस कि
आप उस पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हो, अगर चाहो तो 4 लोडिंग में बैठा के आप जा सकते हो इमरजेंसी में, बट इस पर गाइस 3 लोग कभी बैठ ही नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए ये बुलेट सही है, बुलेट है कि चलाने में भी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड भी उसे कर सकते हो, बट इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो वीडियो देख रहे हो, जो R15 लवर होंगे, आप लोग ये मत सोचना कि मैं इस बाइक का डिमेरिट सिर्फ बता रहा हूँ, इस बाइक में गाइस कुछ पॉजिटिव भी है जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई आपको इस बाइक का प्राइस कितना पड़ा, सब लोग यही पूछ रहे थे। तो भाई प्राइस इस बाइक का मुझे पड़ा है, अधिकतर लोग यही कमेंट कर रहे थे कि भाई इस बाइक का प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, प्राइस बताओ, वीडियो में प्राइस नहीं बताया, बाइक डिलीवरी का वीडियो लियो। गाइस मैंने जो बाइक डिलीवरी वाला जो मैं वीडियो जो बनाया हूँ ना, उस पर मेरा 30,000 व्यू गया है, 30,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। वीडियो जिस दिन हम लोग डालते हैं उस दिन उतना व्यू नहीं आता है, बट वीडियो के व्यूज डालने के बाद कुछ चला जाता है। तो गाइस इस बाइक का जो मेरा प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 215,500 रुपये, टोटल कॉस्ट इतना है, ऑन रोड प्राइस मुझे पड़ा है इस बाइक का 215,500 रुपये। और अगर आप EMI पे लेते हो तो मैं आपको EMI पे बता देता हूँ कि EMI पे आपको पड़ेगा, आपको 62,000 इसका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और मंथली जो है आपको 6,000-6,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो टोटल जो कॉस्ट है 280,000 के आसपास आपका ये बाइक का जो टोटल और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो चला जाएगा, 280,000 चला जाएगा। तो EMI पे लोगे तो 3 साल का EMI बनेगा आपका, 280,000 चला जाएगा। तो सोच लेना आपको क्या करना है। और रहा बात गाइस इस माइलेज का कि बाइक माइलेज कितना दे रहा है, ये लोग भी बहुत कोई कमेंट कर रहे थे, भाई माइलेज का अंदाजा मुझे अभी तक नहीं लगा, मैंने 1300 किलोमीटर चला दिया है, बट मीटर में शो करता है कि ये बाइक जो है 44 का माइलेज दे रहा है, लेकिन 44 का मुझे नहीं लगता 44 का माइलेज देता है। एक खुटी तेल में पता नहीं कितना चलता है यार, कल 26 किलोमीटर चला और एक खुटी खत्म हो गया, तब पता नहीं एवरेज तो मुझे लगता है जहाँ तक कि 25-26-27 इतना का एवरेज दे रहा है, मतलब बहुत कम दे रहा है, मतलब कि इतना कम कैसे दे रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 26 मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस लिया है मुझे लगा कि 26 का माइलेज दे रहा है, लेकिन मीटर में दिखाता है 44 का माइलेज, अभी तक अंदाजा नहीं लगा। एक दिन जरूर मैं इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो, स्पेशली माइलेज टेस्ट का वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे R15 V4 के लेकर कि भाई R15 V4 पे अपना वीडियो बनाओ, प्राइस बताओ, माइलेज बताओ, बाइक का रिव्यू बताओ कि कैसा लगा आपको बाइक चलाकर नहीं चलाकर। तो भाई इतना कुछ प्रॉब्लम था इस बाइक को चलाने में। और रहा बात गाइस इस बाइक का पॉजिटिव चीज़ क्या है, कि ये बाइक हमें क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्यों नहीं, क्यों लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको दिखाना है कि मेरे पास R15 है, लोगों को दिखाना है, दोस्त मोहल्ला में दिखाना है, लड़की को दिखाना है कि R15 से घूम रहे हैं, तो उसके लिए एक नंबर है। और भाई बाइक भी ऐसा है ना कि लड़की लोग आपको घूर के देखेगी, जब रोड पे जब मैं चलता हूँ तो लड़की लोग ऐसे देखती है जैसे सलमान खान शाहरुख खान आ रहा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ है, अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होते देरी नहीं लगेगा। कुछ ये पॉजिटिव चीज़ था कि अगर आपको लोगों को दिखाना है और घुमाना है फिराना है तो उसके लिए ठीक है, और सब चीज़ के लिए बाइक मतलब कि ठीक नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। तो लेने से पहले आप लोग सोच लेना कि अगर आप लोग इतना पैसा पे करते हो 215,500, तो सोच समझ के लेना, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेकर, तो भाई देखिए मेरे को मीडियम है, ठीक ठाक है, बट यही प्रॉब्लम हो रहा है कि पापा नहीं चला पा रहे हैं, मम्मी नहीं बैठ पा रही है, और भी जो अदर एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पा रहा है। पीछे तो ठीक है, बोरा वोरा नहीं लगाएगा, सिलेंडर नहीं लगाएगा, वो ठीक है, आगे में सोचेंगे कि कुछ झोला वोला टांग के ले जाएँ तो डर लगता है कि जो इंडिकेटर है टूट जाएगा, तो ये भी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो गाइज बस फिलहाल इस वीडियो के लिए ही, तो आप लोग जो भी करना सोच समझ के करना। तो गाइज फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं गाइज जल्दी एक वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।